गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू परमा कुर्मी व्लॉग। और कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक ही है और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी। ब्रेकफास्ट के पास से हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और मैं भी स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी निकल चुके हैं जिम के लिए और मैं लगी हूँ अपना काम पे। एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के बाद में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि दी ब्रेकफास्ट करने के बाद का आप नहीं दिखाते हो, डायरेक्टली लंच पे चले जाते हो। तो देखो, एक ब्लॉग में इतना सारा कुछ दिखाना पॉसिबल तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद क्या करती हूँ, ये देखो बर्तन धोती हूँ सिंपल सा, और क्या करूँगी, और ये बर्तन जाता है डिश वॉशर में। अभी कुछ दिन के लिए डिश वॉशर ना सही चल रही है, पता नहीं 2 दिन बाद फिर ख़राब हो जाए, क्योंकि जिस बंदे को हम लोगों ने फ़ोन किया था वो एक चीज़ बोले, तो वो चीज़ हम लोग अप्लाई किए तो डिश वॉशर फिर से चलने लगा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए तो मुझे कंप्लेन डालना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। तो पता नहीं, हस्बैंड डाल देंगे कंप्लेन और देखा जाए, जब तक चल रहा है भाई चलने दो तो सही है। बीच में बड़ा दिक्कत हो गया था और ये ठंडी के मौसम में अगर डिशवॉशर ना चले तो सोचो क्या हाल हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे डिशवॉशर में सारे बर्तन मैं लगा दूंगी, ये तो भरेगा नहीं तो अभी मैं चलाऊंगी नहीं। कल रात को ऑलरेडी मैंने डिश वॉशर चला ही दिया था तो सारे बर्तन भी मैंने निकाल लिया, तो बर्तन थोड़े से कम है, अभी दोपहर का बर्तन डालेगा इसमें तो उसके बाद ही मैं इसको चलाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे ऊपर वाला रैक पूरा ही खाली था तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से, लेकिन ये सारे कढ़ाई वगैरह ना नीचे रैक में ही मैं रखती हूँ, ऊपर में नहीं। और ऊपर में ना जितना मतलब ऊपर वाला रैक में जितना छोटा मोटा सामान हो ना वही सारे सामान मैं रखती हूँ। तो चलो डिश वॉशर लोड कर दिया मैंने, उसको चला ही नहीं, अभी दोपहर का खाना वाना बनेगा तब चलाऊंगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ना मैं लंच का तैयारी करने लगी हूँ और बहुत अच्छा कुछ बनाने वाली हूँ, शेयर करूँगी आप लोगों से। लेकिन फिलहाल ना ये थोड़ा सा स्लैब पोछा लगा लूँ, नहीं तो स्लैब बड़ा गंदा हो रखा है, क्योंकि लंच बॉक्स बनाई, फिर ब्रेकफास्ट बनाई और बहुत सारे काम होते हैं ना किचन में, चाय वाय बनाते हुए चाय गिर जाते कभी, तो इसीलिए ना पहले स्लैब और गैस स्टोव साफ कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं लंच वंच बनाऊँगी नहावा के। अभी नहीं, ये नहाने के पहले मैं सारा काम कर लूँगी, उसके बाद आराम से फ्रेशन अप होके पूजा पाठ करूँगी और फिर आऊँगी मैं लंच बनाने अभी तो। और फिर थोड़ा सा 11 बजे से बैठूँगी, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह भी कर लूँगी वीडियो को। ये मेरा रूटीन होती है, डेली रूटीन होती है मेरा, मतलब मंडे टू फ्राइडे का रूटीन होती है, क्योंकि सैटरडे टू फिर छुट्टी होती है, सैटरडे संडे तो उतना मतलब जल्दबाजी नहीं रहती है मुझे। तो फिलहाल मैं नहा के फ्रेश होके आ गई हूँ, मेरा पूजा हो चुकी है तो मैं सोची कि रूम थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। और रूम का ना जो बेडशीट है ये चेंज करने की बात मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, क्योंकि 1 वीक के ऊपर हो रहे हैं तो मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा है। होता है ना कि ऐसे आप जब बेड पे ऊपर से तो आपको साफ सफाई नजर आएगा, लेकिन जब आप बेड पे बैठो या लेटो तो ना थोड़ी सी ना किनकिनाहट होती है, और ऊपर से घर पे मेरा काम भी चल रहा है ना, तो मतलब इतना खराब हालत है तो 2-3 दिन बाद ना इतना ज़्यादा बेडशीट गंदे हो जाते हैं, डस्ट हो जाती है ना, तो मन करता है ना मतलब इसमें ना बैठूँ, ये जो है ना पीलो कवर वगैरह सारे चेंज कर दूँ, एक फ्रेश लुक आएगा। और क्या है ना कि घर में फ्रेश रहने से ना एक हाइजीन भी मेंटेन हो जाती है, ये मैं मानती हूँ, आप लोग मानते हो कि नहीं पता, लेकिन एक हाइजीन मेंटेन हो जाती है। घर में छोटे बच्चे तो अभी ना डर लगता है कि बच्चों को कोई कहीं इन्फेक्शन कुछ ना हो जाए, तो इसलिए ना मैं हमेशा ना 2-3 दिन बाद ना मैं चेंजेस करती रहती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारा कीड़ा काट लिया कि साफ सफाई का, लेकिन ये होता है मुझसे नहीं होता है, रहा नहीं जाता गंदगी में। और एक तो बाहर का जो काम चल रहा है, इतना डस्ट मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, तो बस उसी में ही मैनेज करने पड़ रहा है हम लोगों को। तो फिलहाल सारे बेडशीट का जो मतलब पीलो कवर होते हैं ना वो सारे चेंजेस कर दी हूँ, क्योंकि पीलो कवर भी इतना गंदा हो रहे थे मैं क्या ही बताओ आप लोगों को। पीलो कवर से मतलब जो बालू होती है ना सैंड वैसे निकल रहा है, मतलब इतना मतलब रात को सोने में दिक्कत हो जा रही थी। तो मैं भी कल रो रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं चलो आज सुबह में ना मैंने ये सारी चेंज कर देनी है, सबसे पहले कोई काम हो या ना हो तो मुझे ये सारे चेंज कर देनी है, तो मैं वही काम किया और इसके बाद बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। चलो पीलो कवर चेंज कर दिए ना, तो पीलो एक
फ्रेश फ्रेश लग रहा है देखने में। और एक एक होती है ना कि जब आप पीलो कवर या बेडशीट ये सब चेंजेस करो ना, तो नई वाली लगाओ, धुली हुई सही लेकिन नहीं नई धुली हुई, मतलब नई वाली होती है लेकिन मतलब धुलने के बाद हम लोग बोलते हैं ना कि नया हो जाता है, तो वही वही चीज़। तो बस वो ना एक सुकून सा महसूस होता है कि नहीं भाई चलो मेरा रूम पूरी तरह से ना क्लीन हो चुका है। ये चीज़ मेरे लिए ना बड़ा मैटर करता है, इसलिए ना मैं रह रह के ना बेडरूम क्लीनिंग करते रहती हूँ, डस्टिंग करते रहती हूँ, ताकि बेडरूम मेरा गंदा ना दिखे। मैं एकदम बर्दाश्त नहीं होती है, मतलब पाँव में थोड़ी सी ना किनकिना जाए सैंड से, मतलब बालू से, बालू वगैरह से, क्योंकि उसी में मैं 2 से 3 बार पोछा लगा देती हूँ। क्योंकि मुझे ना एकदम, देखिए भगवान जी है घर में, मेरे घर में ही मंदिर है आपको पता ही है। हाँ तो बस क्या होते हैं ना कि थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है, मतलब मैं खुला पैर घूमती हूँ इस रूम में, क्योंकि इस रूम में चट्टी नहीं पहनती हूँ चप्पल, इसलिए क्योंकि सामने भगवान जी का मंदिर है। तो बस और पाँव में थोड़ी सी किनकिना जाए मैं संग संग इसको झाड़ के और पोछा लगा लेती हूँ, तो इससे क्या होता है ना कि रूम भी थोड़ा सा क्लीन रहती है। तो चलिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद चली गई थी मैं वॉशिंग मशीन लगाने, तो चलो मैं मशीन लगा दिया है यहाँ पे, तो फटाफट से इसको ऑन कर लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए वॉशिंग मशीन, सारे कपड़े मैं उसी में ही डाल देती हूँ, वो अपने हिसाब से धो देता है, और मैं मुझे खाली फैलाने का चीज़ रहती है। और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में नहाने के बाद, तो बस मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा सब्जी बनाऊंगी। और दूसरी बात है कि ठंडी में ना थोड़ा सा सब्जी खाने का मज़ा ही कुछ और होती है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा हस्बैंड लेके भी आए हैं सब्जी, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ बना ही देते हैं। थोड़ा सा भिंडी कट कर रही हूँ यहाँ पे, सबसे पहले आज तो भिंडी बनेंगे घर में, तो बस इसीलिए भिंडी कट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे खासे भिंडी कट हो गया है, अब मैं यहाँ पे ना चावल चढ़ा रही हूँ। एक्चुअली दोपहर को चावल तो बनते ही बनते हैं, और साथ में रोटी भी बन जाती है। और बस यहाँ पे मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ चॉपर में, मैनुअल चॉपर नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक चॉपर में, चॉप इसलिए करूँगी ना तो मुझे बारीक बारीक चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस इसीलिए प्याज को अंदर डाली मैं, और प्याज 3-4 प्याज लेना पड़ेगा इसमें, और प्याज को मैं कट करके डाल रही हूँ इसीलिए ताकि चॉपर में ना बारीक चॉप करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, दैट्स इट और कुछ नहीं। तो चलो सारे प्याज ना इसमें डाल चुकी हूँ मैं, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर दीजिएगा, अगर आप तीखा खाते हो तो उस हिसाब से ही ऐड कीजिएगा, इट्स नो इश्यूज़। और मैं थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा तीखा ऐड किया। तो चलो इसको अच्छे से ना बारीक से पीस लेते हैं। ये सबसे कन्वीनियंट है कि मतलब ये वाली जो चॉपर है इलेक्ट्रिक वाली, ये सब ज़्यादा कन्वीनियंट है, मतलब आप इसको एकदम बारीक चॉप जब होती है ना घर में तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हो, बल्क में ये बारीकी से चॉप करता है। तो ये देखिए कितना अच्छा से चॉपिंग हो चुका है, और जितना महीन करना चाहो आप उतना ही कर सकते हो। बाय द वे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं खुद से खरीदी थी इसको और खुद से इस्तेमाल करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा क्वेरीज रहता है कि दी ये क्यों है, दी वो क्यों है, तो ये भी एक क्वेरीज था, बहुत दिन से था, तो मैं सोची कि चलो ये सारी क्वेरीज जो है उसको जवाब दे दिया जाए। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल कांच का, इसमें मैं डाल रही हूँ मटन। एक्चुअली संडे है ना, थोड़ा मटन करी बनेगा आज घर में, टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा, तो थोड़ी सी यूनिक तरीके से बना रही हूँ, रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिलहाल यहाँ पे मटन ले लिया मैंने 1 किलो के आसपास, उसमें डाली हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने से ना क्या होता है ना कि इसका मतलब स्वाद में बहुत फर्क आ जाता है। तो बस जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया मैंने, और ऐड करने के बाद में इसमें डाली हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एंड उसके बाद में इसमें डालूंगी थोड़ी सी जीरा पाउडर भुना हुआ, और उसके साथ ही मैं डालूंगी थोड़ी सी धनिया की पत्ती। तो चलिए ये तो डन हो चुका है, और अभी इसको सिर्फ मैरिनेट करना है, करके फ्रिज में छोड़ना है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी विनीगर वाटर डाल रही हूँ, ये मैं भूल गई थी, तो विनीगर वाटर डाल रही हूँ। अब ना इसको ऊपर से थोड़ी सी ऑयल ऐड करेंगे, और इसको ना बेक्ड होने के लिए रख देंगे। तो चलो
तो बस अब मटन को करेंगे यहाँ पे मैरिनेट, और इस तरह से मैरिनेट करके छोड़ेंगे इसको। थोड़ी सी ना ऑयल ज़्यादा डालनी, क्योंकि मीट है ना तो मटन में थोड़ी सी ना ज़रूरत हो ही जाती है ऑयल की। तो बस इसको ना बहुत अच्छे से ना मैरिनेट करनी है। एक एक मटन का पीस में ना इसका मसाला लगना ज़रूरी होता है। तो बस इसको ना ऐसे मटन को पीसने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट कराएंगे, उसके बाद इसका कड़ी बनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है मेरा, बहुत अच्छे से मैरिनेट कर चुकी हूँ मैं। और बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसको थोड़ी सी ना रेस्ट करा लेनी है, दैट्स इट। तो बस इसको ढक के थोड़ा सा रेस्ट करा लेंगे। और तो जी मैंने यहाँ पे कुकर चला दिया है, और कुकर चलाने के बाद में आप कुकर को पहले गैस का फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, और कुकर में डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल। सरसों का तेल से ही मीट कड़ी बहुत अच्छा बनता है, फ्लेवरफुल बनते हैं। तो बस ऑयल गर्म होते ही इसमें डालूंगी तेज पत्ता एक, और उसके साथ एक दो तेज पत्ता डालिए, उसके साथ दो सूखी हुई लाल मिर्च, और उसके साथ मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी डालूंगी थोड़ा सा। इसमें ऑयल में चीनी डालने से क्या होता है ना कि कलर रेड रेड आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस चीनी मेल्टेड होने तक इसको थोड़ा सा पकाना है हमको, थोड़ा सा पका लेंगे तो ताकि चीनी अच्छे से घुल के मेल्टेड हो जाए पानी के साथ, गर्म पानी के साथ। तो बस वही प्रोसेस चल रहा है अभी। और बस अभी ये देखो कुकर में ये ऑयल भी मतलब अच्छे खासे गर्म हो चुके हैं, और चीनी भी यहाँ पे गल चुकी है। ये देखिए अच्छे खासे चीनी गल चुकी है यहाँ पे। तो जी ये स्टेप तो हो गया, नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्याज, और खूब सारी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर का जो पेस्ट बना के रखे थे महीन महीन चॉप करके, तो वही मैं इसमें डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो इससे क्या होगा ना कि प्याज का कुकिंग थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, और मतलब प्याज का प्रोसेस थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए इसको अच्छे खासे मतलब अंदर में जो भी है प्याज, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो चलिए ये तो हो गया है डन, और अभी मैं प्याज को अच्छे से फ्राई वाई करूँगी, और बहुत अच्छे से इसका गोल्डन कलर चेंज होने तक इसको मैं पकाऊँगी अच्छे से। तो बस चलो जी प्याज अच्छे से कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा लीड लगा के इसको 15-20 मिनट तक पका लेनी है ताकि इसका ना ये देखिए ऑयल रिलीज हो जाए। तो बस 15-20 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम में मैं पकाई, तो देखिए प्याज का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ऑयल रिलीज हो चुका है। इसको एक स्टर दे देना है अच्छे से, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो ये देखिए प्याज का कलर कितना अच्छा से चेंजेस होके आया है। बस अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी मसाले, जैसे मसाले मतलब मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी दालचीनी और छोटी इलायची और लौंग, ये सारे कूट के मैं इसमें डाली हूँ, तो स्वाद बड़ा अच्छा आ जाता है। तो बस चलिए यहाँ पे ना प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया ताकि इसका कलर भी पूरा गोल्डन हो गया, और इसके साथ ऑयल भी रिलीज करने लगा इससे। तो बस अब मैं इसमें डालूंगी पूरी तरह से मटन, जो मैं मैरिनेट करके रखी थी उसे ही डालनी है यहाँ पे। तो चलो पहले ये मटन डाल लेती हूँ, और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, मतलब इसके बाद क्या करना है वही मैं बताऊँगी। तो फिलहाल जितना सारा मटन था वो सारे मीट मैंने ऐड कर दिया है कुकर में, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको स्टर देना है थोड़ा सा, बस अब कुछ नहीं। ये तो हो चुका है, और इसको अच्छे से मिक्स 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 करने के बाद में फिर 10 से 15 मिनट इसको लीड लगा के इस तरह से पकाइए, पूरा लीड मत लगाइएगा। तो आफ्टर 15 मिनट्स लुक एट दिस, कितना सारा पानी वाटर रिलीज किया है ये मीट ने। तो बस मटन करी में थोड़ी सी वाटर रिलीज तो होती ही है, तो इसमें करूँगी अब मसाले, रेगुलर वाली मसाले ऐड कर रही हूँ। मिर्ची पाउडर मतलब कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया मैंने यहाँ पे, और उसके साथ ही साथ मैं इसको ना फिर से मिक्स दे दूंगी एक अच्छा खासा। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिक्स दे दिया है मैंने, और बस और कुछ भी नहीं करनी है, ये एकदम ऑलमोस्ट डन है। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना देखने में। तो बस यहाँ पे ना थोड़ी सी केवड़ा वाटर में डालूंगी, केवड़ा का पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, एक स्मेल होती है जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे केवड़ा का पानी मैंने ऐड कर दिया है, और इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पानी। पानी ऐड करने से क्या होगा ना कि
लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है ना ये देखने में। थोड़ी सी ना इसमें स्टर दे दूंगी और कुछ नहीं, मटन तो अभी पकाई नहीं है तो इस तरह से ही है, तो इसको अच्छे खासे स्टर दे देना है ताकि सारे मसाले ना कोट हो जाए और मसालों में ये मटन पक के तैयार हो जाए। तो चलो इसमें और कुछ नहीं करना है। अब फाइनली इसमें थोड़ी सी लीड लगा के 10-15 मिनट के लिए और पकानी है। आफ्टर 15 मिनट्स जब इसमें उबाला आ जाए तो इसमें ऐड कर दीजिए आलू। आलू ज़रूर से ऐड कीजिएगा और बहुत टेस्टी लगता है। तो फिलहाल आलू ऐड किए मैंने यहाँ पर अच्छे खासे, और आलू ऐड करने के बाद में मैं इसको अच्छा खासा स्टार दिया और थोड़ी सी धनिया की पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और उसके साथ थोड़ी भुना हुआ जीरा पाउडर, बहुत स्वाद लगती है। तो बस ऐड करने के बाद में मैं इसको थोड़ी सी ना पका लूँगी इन द सेंस सारे मसाले और मतलब मसाले एक साथ हो जाए, एक रस हो जाए उसी तरह से। और बस इसमें ना अब लीड लगा के फाइनल 6 से 8 सीटी लगा दीजिएगा तो आपका मीट करी बन के हो जाएगा रेडी। तो ऑलरेडी मैंने 6 सीटी लगाई है, तो ये देखिए लुक एट दिस, इसका लुक कितना अच्छा आया है, कितना टेम्पटिंग आया है। कुकर में बनाई हूँ मैं और बहुत ही टेस्टी था एक्चुअली खाने में भी। तो चलिए इसमें ना मैं ऐड कर दूँ थोड़ी सी धनिया की पत्ती, क्योंकि ये ठंडा में बहुत अवेलेबल है धनिया की पत्ती, तो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है और देखने से ही बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो फिलहाल यहाँ पे धनिया की पत्ती मैंने कट कर लिया है और बस इसमें भी ऐड कर दी हूँ मैं। तो ये देखिए कितना अच्छा, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना देखने में, मटन करी है। तो संडे का स्पेशल ये लंच था आज हम लोगों का, मटन करी। तो रेसिपी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। चलो ये जो मीट करी है ना, तो ज़्यादा तामझाम नहीं लगती है लेकिन बनाने में बहुत आसान है और बहुत टेस्टी भी है खाने में। तो जी फाइनली हम लोगों का मीट करी बनके हो गया है रेडी। अब इंतज़ार है मयंक का, स्कूल वो आएगा। हे एवरीवन, मेरा लंच वंच पूरा बन चुका है। मयंक अभी निकला अपना पापा के साथ और मटन करी का रेसिपी बहुत अच्छा बना है। और एक्चुअली घर में ना हालत ख़राब है क्योंकि घर में काम चल रहा है ना, तो इसीलिए हालत थोड़ी सी ख़राब है। ये वाली रूम में मैं कपड़े सुखा रही हूँ, मम्मी अभी है नहीं, ये रूम का रिपेयरिंग चल रहा है तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े सुखा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखो एक बल्टी कपड़ा ऑलरेडी है, ये मुझे डालने हैं अभी। और तो मैंने सोचा यहाँ का हालत भी ख़राब है इसीलिए ना ज़्यादा घर को मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, इतना हालत ख़राब हो गई। रिपेयरिंग चल रहा है, एक्चुअली पुराना घर है ना, थोड़ी बहुत ना थोड़े थोड़े दिनों में 5 साल 6 साल में थोड़ी सी रिपेयरिंग करवाना ही पड़ता है, तो अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है घर में। फिलहाल चलो लंच वंच तो बन गया, मयंक लोग आ जाए तो फिर लंच सर्व करूँगी मैं। फिलहाल जितने सारे कपड़े हैं ये सारे मैं कुछ करती हूँ, मतलब तय बना के भी रखना है और सारे कपड़े डालने भी हैं मुझे। तो जी मैं खा के अपना पापा के साथ, तो मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म मीट करी और साथ में चावल, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी घर में ट्राई कर सकते हो। और इसके साथ मैं आज एंड कर रही हूँ वीडियो को। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज़ परमा कुर्मी व्लॉग। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मैं कल मिलती हूँ एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। और हाँ, रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तो जी बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।